तो ये थे हमारे साथ राजपाल सिंह शेखावत, जिनका कहना, जिन्होंने बातचीत करने से मीडिया से पूरी तरह से मना कर दिया है। और अभी उनके साथ उनके समर्थक अलग अलग गांव अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। झोटवाड़ा विधानसभा से, जैसे कि आपको पता है कि अभी राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट मिला है, भाजपा की जब से 41 प्रत्याशियों की जो सीट आई है, 41 प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई है, उसमें कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनके टिकट काट लिए गए हैं, जिसमें नरपत सिंह राजभी हैं, जिसमें नरपत सिंह राजभी के अलावा राजपाल सिंह शेखावत हैं, अनिता देवी हैं, और अगर जो रोहिताश्वर शर्मा की का भी टिकट कटा है। पर और इसके चलते हुए सभी जितने भी MLAs हैं उनमें एक लंबी नाराज़गी बनी हुई है, और लोगों से हम प्रयास करते हैं कि बातचीत कर सकें कि क्या है यहाँ पे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका 360 पर। अभी सर 40 सीटों की जो प्रत्याशी नाम आए हैं उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से MLA हैं पर उनका टिकट काट लिया है, इसमें राजपाल सिंह शेखावत भी हैं, नरपत सिंह राजभी भी हैं, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या सोचते हैं? अपने विद्वान व्यक्ति से यदि सदन वंचित रहता है तो ये पार्टी के लिए गलत होगा। हमारे नेता में कमी तो बताओ जी। ये जो चाणक बन रहे हैं पार्टी के, वो तार्किक बहस कर ले, अगर नेता हमारा फेल हो जाएगा तो हम दावा भी छोड़ देंगे टिकट का। इतने विद्वान व्यक्ति को वंचित कर रहे हो यार सदन में जाने से, शर्म आनी चाहिए इनको। बेदाग आदमी, एकदम ईमानदार आदमी, वो लेना ही नहीं, तो टिकट काटी, कोई कारण तो होगा, काट देगा सीट पर। तार्किक संवाद कर ले हमारे नेता से, ये बड़े से बड़ा चाणक्य, अगर हमारा नेता फेल हो जाएगा तो हम दावा भी छोड़ देंगे सीट से। वाला काम हो गया, एकदम हटधर्मी कर रहे हैं बीजेपी का हाई कमान, हटधर्मी कर रहा है। बाकी जिस आदमी को टिकट मिलना चाहिए उनको टिकट नहीं दे रहे, आए गए को टिकट दे रहे, बाहर वालों को टिकट दे रहे हैं, ये कोई उचित बात नहीं है। सर राज्यसभा एक लोकसभा सांसद को खड़ा किया है राज्यवर्धन राठौड़, एक बड़ा गलत है ना, राज्यपाल उनको खड़ा करने की जरूरत उनका छोटा है। हमारा जब 27 साल के थे नेताजी, तब 27 डिपार्टमेंटों के मंत्री थे, 9 साल में वो एक भी कार्यकर्ता कॉन्टेक्ट में, एक भी गली जानते हो, पार्षद का नाम जानते हो, बूथ की बारे में बाकी जानते हो, कैसे टिकट दे दिया उनको यहाँ पे आते हो? एक गली बारे में नॉलेज, पार्षद का नाम तक मालूम नहीं है उनको, ना पैराशूट कैंडिडेट हमें दे दिया गया यहाँ पे, हम उनको कैसे स्वीकार कर ले पैराशूट कैंडिडेट को? तो क्या अभी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके समर्थक, क्या डिसीजन लेने वाले हैं? नेताजी का आदेश होगा, नेताजी का आदेश क्या माना जाए आपकी तरफ से? हमारे नेताजी आदेश सर मान्य होगा, जो भी आदेश होगा, जो आदेश उनका होगा वो मान्य होगा। तो क्या आप निर्दलीय खड़े होंगे, किस तरह से पार्टी के साथ हैं? पार्टी के साथ रहेंगे, संघर्ष कर रहे हैं टिकट के और टिकट लेकर आएंगे। झोटवाड़ा सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर किस तरह से? पार्टी जहां से आदेश करेगी वहां से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे 1 लाख वोटों से ज्यादा से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जयपुर शहर की 8 सीट आ रही, एक भी सीट नहीं आई, अगर राजपाल जी ने टिकट नहीं दिया तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ईमानदार आदमी, हमारे नेता को टिकट नहीं मिला उसका विरोध है, हम लोग चाहते हैं इनको टिकट मिले। ये जब से 35 साल से ये राजनीतिक में है, इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, फिर इनका टिकट काट दिया जबरदस्ती, और कोई बेस नहीं है टिकट काटने का। राजवर्धन जी किसी ये झोटवाड़ा विधानसभा के एक पार्षद को नहीं जानते, एक गली नहीं जानते, एक पार्षद का नाम नहीं बता सकते हैं, वो उनको टिकट हवाई उड़ान के करके दे दिया, बाहरी रटिंग से आदमी को टिकट दे दिया। और जो राजवर्धन जी जीते हैं वो भी राजपाल जी की वजह से ही 2 बार जीते हैं, सांसद बने तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया उनका। बस इसीलिए ये सब कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए राजपाल जी ने मीटिंग बुलाई। रोज का टिकट मिलने का रोज है, बस एक ही रोज है, ईमानदार छवि वाले आदमी को आप टिकट काट रहे हो, कोई बेस नहीं है, बिगर बेस टिकट काट दिया, इस बात की नाराजगी है। मैडम से मुलाकात हुई फिर उसके बाद कुछ? अब ये तो नेता जानेंगे, नेता करेंगे जैसा करेंगे वैसा। किस तरह का विरोध है भाई साहब? ये विरोध जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने एक निर्णय लिया कि हम MPO को चुनाव में उतारेंगे, मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से ये भी है कि अगर सेफ सीट पे MP को उतारने के बनस्पत विराटनगर या शाहपुरा दिया जाए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो वहाँ क्यों नहीं लड़वा रहे? क्योंकि इनको लगता है कि MP में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीट निकाल पाए, ये सेफ सीट समझ रहे हैं। लेकिन हम केंद्रीय नेतृत्व का ये चश्मा भी उतरवा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता इससे आहत हुआ है, दुखी हुआ है। हमें अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा हम वो भी करेंगे। अगर राजपाल सिंह शेखावत का टिकट यहाँ से नहीं मिला तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो भी अभी उम्मीदवार पैराशूट उम्मीदवार है हम उसका खिलाफत करेंगे, बगावत करेंगे। बिना टिकट के भी लड़ सकते हैं? नहीं, बिना टिकट के हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम यहाँ के पैराशूटी कार्यकर्ता जिसने उतारा गया उम्मीदवार उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे।
जिस पैराशूटी उम्मीदवार को हमारे वार्ड के विधानसभा के पार्षद नहीं जानते, आम कार्यकर्ता नहीं जानता, पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में एक बार इनकी शक्ल नहीं देखी गई हो, और ऐसी स्थितियों में हम ऐसा पैराशूट उम्मीदवार कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति, तानाशाही स्थिति केंद्रीय नेतृत्व ने अपनाई है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमें ऐसा लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक बंधुआ मजदूर मान लिया है कि हम जिसको थोपेंगे वो जीत के निकल जाएगा। आपका नाम बताएं। मैं रतन सिंह निर्वाण, पूर्व मंडल अध्यक्ष करनी बिहार मंडल, जोटौड़ा विधानसभा। तो ये थे राजपाल सिंह शेखावत के कुछ कार्यकर्ताओं और कुछ साथी, इनका कहना है कि अगर जो एक बाहर के जो पैराशूट नेता है उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो अभी जो करंट जो बाहर के जो नेता है उन्हें उन्हें टिकट दिया जा रहा है। जो एक ग्राउंड लेवल बूथ लेवल पर काम करने वाले नेता हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि राजपाल सिंह शेखावत को उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन कितना रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।